आमतौर पर लोग दही को ठंडा समझकर इसे गर्मी के दिनों में खाना प्रिफर करते हैं, लेकिन आयुर्वेद में बताया हुआ है कि जो दही की तासीर है वो गर्म है, ये उष्ण वीर्य है, यानी ये गर्म नेचर का है। तो कभी भी गर्मी के दिनों में, यानी जैसे ग्रीष्म ऋतु है, जैसे अप्रैल मई महीना है, और शरद ऋतु यानी सितंबर और अक्टूबर का महीना है, तो इस समय पर दही का सेवन नहीं करना है। यहाँ तक कि रात में भी, यानी सूर्यास्त के बाद भी दही का सेवन नहीं करना है। जो दही ठीक तरह से जमा नहीं है, उस तरह का दही भी आपने खाने में नहीं रखना है। और दही के साथ आप मिश्री का सेवन कर सकते हैं, दही में आप शहद मिला के ले सकते हैं, यहाँ तक कि मूंग है, मूंग की दाल या उससे बनी जो भी चीज़ें हैं, जैसे मूंग से बने पकोड़े है, वड़ा है, तो इसके साथ भी आप दही का सेवन कर सकते हैं।